अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआ से हम सब भी अच्छे से। तो ये है मेरे मम्मी के यहाँ का फ़िश टैंक, जिसमें हमने टर्टल डाल दिया था। हम गए थे एक दो दिन के लिए, पर वहाँ जाके कुछ वीडियो शूट नहीं हो पाया था। तो ये मैं पी रही थी मेरी सुबह की चाय। बच्चे लोग जा चुके थे स्कूल क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है। और ये रहा हमारा सामान, क्योंकि आज है मेरे भाई के यहाँ पे दावत, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। और ये जो हमारा मेहमान है छोटा, इसको भी लेके जाना है, इसको छोड़ नहीं सकते। तो चलिए मिलते हैं। चलो भाई, कल 11 बजे है, मंडे को 11 बजे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोपहर की कुकिंग। एक्चुअली क्या होगा, जो आपने इसके पहले जो अभी व्लॉग मैंने डाला है वो थोड़ा टाइम पहले का, 26 जैन के पहले का था, क्योंकि मुझे 26 जैन को कुछ अच्छा डालना था, इसके लिए मैंने वो पहले अपलोड कर दिया था। और ये जो व्लॉग है ये 26 के बाद में शूट कर रही हूँ, तो ये आपको अभी मिलेगा। तो दोपहर की तैयारी करने के लिए किचन में आ चुकी थी, और मैं बना रही थी मेरी सिंपल सी राइस और दाल और राइस। तो मैं कैसे दाल बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। तो ये मैंने मूंग की दाल ले ली थी, और इसको थोड़ा सा भून के ले लिया था। भून के लेने का मकसद ये है ताकि जब बने तो चिकट टेस्ट ना आए उसका, ठीक है। बहुत नहीं भूनना है, जस्ट थोड़ा सा ब्राउनिश करना है, ठीक है। ये हटा देते हैं साइड में। और दाल बनाने के पहले सबसे पहले जो मुझे हमेशा लगता है, मैं मेरी चाय रख दूँगी, कंपलसरी है मुझे। चाय जब तक पीती नहीं तब तक मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। कुछ 12:30 हो रहे हैं अभी। ये चाय में सब डाल के मैं अलग से उसको रख दूँगी। और अभी पता नहीं क्या है, क्लाइमेट सही नहीं, मेरी तबीयत जो है बार बार ख़राब रह रही है। अभी भी मुझे इतना अच्छा फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल वीक फील हो रहा है मुझे। बहुत लेट हो गया एक्चुअली आज मुझे कुकिंग के लिए लंच के, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें जो है सब ऐड कर दिया है मैंने। अदरक नहीं ऐड कर रही हूँ आज, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गर्मी जो है वो स्टार्ट हो गई है, उसकी वजह से पेट में जो है तकलीफ होती है इसके लिए। तो ये मेरी चाय जो है कुक हो रही है, इसको मैं दूसरे गैस पे शिफ्ट कर दूंगी। और यहाँ पे जो हमें दाल आ जाएगी, देखिए इसको वॉश करके ले लिया है। अब इसमें जो है पानी डालना है, पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है। अगर ज़्यादा डालोगे तो कुकर के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 1.5 ग्लास उतना पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, बिकॉज हमारी दाल जो कुक होगी। उसके बाद जो है 1-2-3 बड़े टमाटर मीडियम साइज़ के ले लिए, इसको इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहो तो ज़्यादा टमाटर ऐड कर सकते हो, पर आज मैं इमली वाली दाल बनाने वाली हूँ, इसके लिए मैंने ज़्यादा नहीं ऐड किया। 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और टेस्ट के हिसाब से नमक। बस बहुत सिंपल दाल रही है, पसंद आती है मेरे बच्चों को। और थोड़ा सा तेल ऐड कर दूँगी, और इसे जो है मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, 2 सीटी बड़े पे ले लेंगे, और फिर बारीक करके इसको छोड़ देंगे। और ये मैं ढक्कन लगा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं दाल गलने के बाद। तो दाल जो है हमारी कुक हो चुकी थी, बॉईल हो चुकी थी, वो गैस बंद कर दिया था मैंने। अब मैंने रख दिया राइस, सिंपल ज़ीरा राइस बना रही हूँ। ज़्यादा कुछ उसको तड़का वगैरह नहीं देने वाली हूँ। ये 1.5 ग्लास उतना मैंने राइस लिया था। इसमें जो है एक्चुअली मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि कितना पानी जाना चाहिए, ठीक है। इसमें पानी ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा तेल ऐड कर दूंगी, जैसे बोला था सिंपल प्रॉपर तड़का देके नहीं बना रही हूँ आज, तबीयत थोड़ी सी नासाज है मेरी इसके लिए। इसमें ऐड कर दूंगी ज़ीरा, ठीक है। और इसको जो है हम लोग ढककर जैसे नॉर्मल राइस हम लोग कुक करते हैं वैसा कुक कर लेंगे। एक्चुअली आज मेरे लंच मेन्यू में है दाल, राइस और सुकोट आती है ना सुकोट, उसकी चटनी। तो चलिए पहले आपके साथ दाल राइस की तो रेसिपी शेयर कर लूँ इंशाल्लाह। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो सुकोट की चटनी शेयर करूँगी, वरना नेक्स्ट टाइम। चुकी थी मैं तड़का दे रही हूँ इसको। अभी एक भगोना ले लिया है, पतीला भगोना जो भी आप बोलना चाहो, उसमें तेल ऐड कर दूँगी। बहुत सिंपल और अच्छी दाल बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तेल इसमें ऐड कर दिया,
अब इसमें क्या करूँगी मैं, लहसुन मैंने कट करके रखे थे बारीक बारीक, ये देखिए ये लहसुन है मेरे, इसको इसमें बिस्मिल्लाह ऐड कर दूँगी। ट्राई कीजिएगा मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करने की, और आपके पास टाइम नहीं होगा तो फास्ट पे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जिसके अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके तो लहसुन हो चुके हैं, अब इसमें जो है मैं राई ऐड कर दूंगी, पहले गैस का फ्लेम लो करके, फिर उसके बाद जो है ज़ीरा, ठीक है। मुझे तड़का अच्छा लगता है मुझे मेरे हस्बैंड को, इसके लिए मैं दिल खोल के तड़के की चीज़ें इसमें ऐड करती हूँ, कड़ी पत्ता, ठीक है। इसे 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे, तब तक आपको दाल बता देती हूँ। ये मेरी दाल है, उबाल के ले ली थी। अच्छा, इसको एक काम करना है, जब भी आप उबाल के मतलब सीटी बंद कर दोगे, ये जितनी जल्दी ठंडा होगा उसके बाद फ़ौरन इसको खोल के हमें घोट लेना है, नहीं बहुत टाइम से घोटोगे तो ये घोटे नहीं जाएगी, ठीक है। ये तड़का भी रेडी है, आप लोग देख सकते हैं, और खुशबू भी माशाल्लाह आ रही है। तो चलिए इसमें जो है मैं दाल ऐड कर देती हूँ, बिस्मिल्लाह। तो देखिए दाल की कंसिस्टेंसी, आप अपने हिसाब से जैसे कि मैंने हमेशा कहा आपके हिसाब से रख सकते हो। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, फिर इसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हमारी दाल रेडी हो जाएगी। आ चुके हैं घर। अब्दुल बासित मूड क्यों ऑफ है बेटा, थक गए है ना, क्योंकि एनुअल डे की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है। और ये देखो आते बराबर ये सब ऐसे फेंका जाता है हमारे घर में, बहुत भारी काम करके आए हुए होते हैं। तो दाल बन रही है, चलिए दाल को चेक करते हैं। तो थोड़ा सा जो है इमली का पानी ऐड कर दूंगी, एकदम थोड़ा सा ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसमें कोथमीर डाल के हमारी गैस सॉरी हमारी दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये रहा दाल का लास्ट स्टेप, थोड़ी सी कोथमीर, और ये हो चुकी है हमारी दाल एकदम रेडी, सिंपल बट डिलीशियस, ट्रस्ट मी। चलिए अब बच्चों लोगों को खाना देती हूँ। तो हमने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, मैंने भी कर लिया और अब्दुल वासित भी कर चुका, और अभी मम्मी खाना निकाल रही है। खाने में क्या है आज? दाल राइस और सुकट की चटनी। ओके, और मटकी। चलो ये है दाल राइस, ये है अब्दुल रहमान का, ये हो गई अब्दुल रहमान की प्लेट रेडी। इसकी रेसिपी जो है आपके साथ इंशाल्लाह कभी तो शेयर करूंगी, अभी टाइम नहीं है मैम जी शेयर करने के लिए, इंशाल्लाह करूंगी। तो ये हो गई अब्दुल रहमान की प्लेट, अब अब्दुल वासित की प्लेट। अब्दुल वासित रोटी धोना गरम करके। अब तो ये रही है लोगों की प्लेट, ये है अब्दुल वासित की प्लेट। हमें एज इट इज़ जिसका मूड हमेशा ख़राब ही होता है,